तो ये पहचाना दोस्तों आपने ये क्या है। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। तो आज है संडे और अभी बज रहे हैं सुबह के 8। मैं बैठी हूँ अपने बेडरूम में और बाहर आप हमारी विंडो से देख सकते हो कितना अच्छा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हमने कर ली है सुबह सुबह और आज भी हम करने वाले हैं कुछ एक्साइटिंग। तो बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में लास्ट तक। दिखाते हैं आपको आज जर्मनी के नए नए रंग। ये है धूप, कांता धूप, जिसे हम इंडिया से लेकर आए थे यहाँ पूजा पाठ करने के लिए। और साथ में है माचिस, लेकिन ये हमने यहीं जर्मनी आके खरीदी। मॉर्निंग में पूजा का टाइम है और धूप हमने जला ली है। याद कर लेते हैं अपने सभी देवी देवताओं को। जय हो। ब्रेकफास्ट में आज हमारे बन रहे हैं आलू के पराठे। मिस्सी आज खाने वाली है पराठा। कैसा बना है पराठा, मिस्सी देगी अब इसका रिव्यू। तो कैसा बना है मिस्सी पराठा? अच्छा। आप इसे कितने स्टार्स दोगे 5 में से? 2। 5 में से बस 2 स्टार्स? ये तो काफी कम रेटिंग दी है आपने इसको। चलो 1। 1? ये तो और कम कर दिया आपने। 1। ठीक है फिर, थैंक यू। मिस्सी आपने नहा लिया? हाँ। मेरे बाल गीले हुए और हमारे कपड़े धुले और हमारा खाना मिल रहा है। मिस्सी ने एकदम सही बताया, अभी हमारा यहाँ लंच हो रहा है रेडी। इधर हमारे धुल रहे हैं कपड़े। सुतम केशवम कृष्णा दामोदर राम नारायण वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मेरा कैसे बुलाते नहीं। आज 26 जून है और मोदी जी आए हैं जर्मनी में, म्यूनिक में, लेकिन हम हैं बर्लिन में, इसलिए हम घर बैठे बैठे उनकी स्पीच सुन रहे हैं। माता की बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बज गए हैं शाम के 5 और हम हो गए हैं रेडी। हम आज जाने वाले हैं ओबरबाम ब्रिज, जो कि बर्लिन में है। तो आपको दिखाएंगे कैसा है ये ब्रिज और क्यों है ये इतना फेमस। तो ये पहचाना दोस्तों आपने ये क्या है? ये है किलमोड़ी, जो मिलती है पहाड़ में, जिसको हम खाते हैं। तो ठीठ दिखाए थे हमने आपको, आज हम दिखाते हैं आपको जर्मनी की किलमोड़ी। अब हम बैठ गए हैं मेट्रो में। अभी हम थे U7 मेट्रो में और अभी हमने यहाँ से चेंज करनी है U3। तो अब हम U3 की ओर ही जा रहे हैं। तो हमें जाना है U3 में, ये वाली साइड यानी वार्चुअल स्ट्रासे की साइड। 3 मिनट्स में हमारी ट्रेन आने वाली है। अब हमें अपनी ट्रेन आते हुए दिखाई दे रही है, तो अब वेट नहीं करना पड़ेगा, अब चढ़ जाते हैं। की हमारी डेस्टिनेशन है सामने ये ब्रिज, जिसका नाम है ओबरबाम ब्रिज। तो ये जो ओबरबाम ब्रिज है, ये डबल डेक ब्रिज है, जैसा कि आप देख सकते हो। ऊपर भी एक इसका एक डेक है और एक नीचे है, और सामने आपको दिखेगा एक शिप जाते हुए। तो यहाँ पर बोट राइड भी जो है की जा सकती है। शिप यहाँ पे जा रही है और अभी तो ये फिलहाल खाली नज़र आ रही है, बट लोग जो हैं यहाँ पर आराम से पार्टी करते हैं। साथ में आपको ब्रिज में दिख रहा होगा ऊपर से जो ऊपर वाला डेक है ना, वहाँ पर मेट्रो चलती है और नीचे आप पैदल चल सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो। ये जो ओबरबाम ब्रिज है, ये डबल डेक ब्रिज है, अपर डेक एंड लोअर डेक। अपर डेक में जैसा आपने देखा ट्रेन्स जाती हैं, और लोअर डेक में है रोडवे। तो यहाँ से आप पैदल चल सकते हो और गाड़ियाँ भी आपको यहाँ से जाते हुए नज़र आएंगी। पैदल चलने वालों के लिए अलग से एक ट्रैक है। यहाँ पर काफ़ी सारे लॉक्स लगे हैं नदी के किनारे पे। ये सामने
आ रहा है चलता फिरता रेस्टोरेंट, तो शिप है उसके अंदर ही रेस्टोरेंट बना है। ये जो ओबरबाम ब्रिज है ये बर्लिन के दो डिस्ट्रिक्ट्स क्रेसबर्ग एंड फ्रेडरिक्शन को आपस में कनेक्ट करता है। तो पुराने टाइम में क्या था, ये हिस्टोरिकल ब्रिज है। पुराने टाइम में जब बर्लिन वॉल की वजह से ये दोनों एरियाज आपस में बट गए थे, ईस्ट और वेस्ट में बट गया था, तो उस टाइम पे इस ब्रिज के थ्रू ही आपस में जो है ईस्ट और वेस्ट कनेक्ट होता था। लेकिन बाद में जब बर्लिन वॉल हट गई ये बन गया एक सिंबल ऑफ यूनिटी, तो इसलिए आज भी इसको एक सिंबल ऑफ यूनिटी के तौर पर देखा जाता है। अभी तक हमने ठीक इस डेक के बगल में खड़े होके आपको इस ब्रिज का व्यू दिखाया, अब हम ये स्टेयर्स दी हुई हैं इससे नीचे जाएंगे और वहाँ से देखते हैं ये कैसा लगता है और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो मिशी चलो। तो नीचे से भी ये ब्रिज बहुत अच्छा लग रहा है और आप भी हमें बताइए कैसा लग रहा है। यहाँ पर इस शिप को एक होटल का रूप दे दिया गया है और इसमें फ्लोटिंग लाउंज भी है, कैफ़े बार सब है। रात को यहाँ पर काफ़ी हैपनिंग सा माहौल होता है और अभी भी काफ़ी सारे लोग अपना आराम से बैठ के एंजॉय कर रहे हैं और मिशी भी अपना स्टार्ट हो गई है। बर्लिन वॉल पेंटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो वर्ल्ड से काफ़ी सारे आर्टिस्ट आते हैं और यहाँ पर वॉल पे पेंटिंग्स बनाते हैं। स्प्री रिवर के पास हम घूम रहे थे और एकदम बगल में हमें एक और टूरिस्ट अट्रैक्शन मिल गई, बर्लिन वॉल। इसमें लिखा भी है, यहाँ पे ईस्ट साइड गैलरी है, ये यहाँ लिखा है। उसके बाद हम गए यहाँ की जो मोस्ट फेमस पेंटिंग है जिसमें दो लोग एक दूसरे को किस कर रहे हैं और ऐसा बताया जाता है कि फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है, तो सभी लोग वहीं पर आकर के फोटोग्राफी करा रहे हैं, अपना वीडियोज बना रहे हैं। तो आप भी बताओ आपको उस पेंटिंग में ऐसा कुछ खास लगा स्पेशल, कि मतलब इतनी लंबी ये वॉल है लेकिन सब लोग वहीं पर आकर के अपना फोटोग्राफी करा रहे हैं, तो उसमें आपको क्या खास लगा ज़रूर हमें बताना। चलते चलते हम थक गए, बर्लिन वॉल भी आपको दिखा दी और ब्रिज भी आपको दिखा दिया। अब हम रिवर साइड में बैठकर थोड़ी देर यहाँ के नज़ारों का लुत्फ़ उठाएंगे, आपको भी दिखाएंगे। और मिशी भी यहाँ थक गई है, उसे प्यास लग गई है, पानी पी रही है। प्यास लग गई है तो पानी पी रही हूँ और ये पर्पल कलर की बोतल है, पर्पल वाले बोतल से पी रही हूँ। आपको ये जगह कैसी लगी, कैसी लगी आपको ये? अब बाद में दूसरी जगह दिखाएंगे। अच्छा, नहीं नहीं, अभी जो आपने ब्रिज देखा वो कैसा लगा आपको? अच्छा। जो ये जगह थी जहाँ पर हम आए हमें बहुत अच्छा लगा और कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। आप भी बताओ आपको कैसी लगी ये जगह, अच्छी लगी या नहीं लगी। और अभी हम थोड़ी देर यहाँ पर और बैठेंगे फिर अपना घर की ओर चल देंगे। अभी तक हम ब्रिज के इस साइड थे और अब हमने रोड क्रॉस करी और ब्रिज के दूसरी साइड आ गए, तो यहाँ के भी नज़ारे आपको दिखाते हैं। अभी बज गया है शाम का 7 और अब हम घर की ओर जा रहे हैं, तो इस व्लॉग को यहीं पर करते हैं ख़त्म। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।